डरपोक भेड़िए जो घात लगा करके हत्या करते हैं उनको मालूम होना चाहिए कि भारत की सरकार सीधे सीधे इस घटना को संज्ञान में लिया है, हमारे गृह मंत्री जी ने इस घटना को संज्ञान में लिया है। जो लोग इस खेल को खेल रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि इस देश का प्रधानमंत्री अब कौन है। मैं राजनीतिक भाषा नहीं बोल रहा हूं लेकिन जरा समझने की कोशिश करिएगा। उनको इस बात को समझना चाहिए इस देश का प्रधानमंत्री कौन है, और उनको इस बात को भी समझना चाहिए कि इस देश का गृह मंत्री कौन है। इस देश के गृह मंत्री और इस देश का प्रधानमंत्री पाकिस्तान में घुस करके सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है। बरसों बरसों से चली आ रही धारा 370 की समस्या से निदान दिला सकता है। तो मेरे भाइयों, परिवार के लोगों, सबसे यह कहना है कि हमें जीवन में एक ही सिद्धांत अपनाना चाहिए कि जो गया उसको जाना था इसलिए गया, लेकिन जो बचा है इसको कैसे सुरक्षित रखा जाए और उसके सपनों को कैसे पूरा किया जाए। कुछ बातें कही जा सकती हैं, कुछ बातें नहीं कही जा सकती है। हाँ, वो 5 जनवरी का दिन भारतवर्ष में ऐतिहासिक दिन हो गया जिसमें हमारे दादा हेलो मैं माननीय सांसद साहब से निवेदन करूंगा ब्रिजभूषण सरन सिंह जी कृपया मत से सारा साइड बजाओ बारे सब इसको खाली कर दो सब खाली कर दो एक बार खाली कर दो प्लीज सामने आ गए ना भैया इधर आ जाओ इधर जाइए मैं सुभाष मैं दीपसा एक बार सब बता दो साइड में सबसे पहले अब अपने आप शांत हो जाएंगे भैया, आप लोग शांत रहिए, हम शांत करा लेंगे। सुखदेव सिंह, स्वर्गीय सुखदेव सिंह गोगामड़ी जी को मैं अपने तरफ से और कई प्रांत के मेरे सहयोगी संत सहित हर समाज से आए हैं उनके तरफ से मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हमारे साथ हनुमानगढ़ी के महंत ज्ञानदास जी के शिष्य हेमंतदास जी, महंत बलरामदास जी, एक हरिशंकर दास बहुत बड़े पहलवान होते थे उनके शिष्य हैं, वो हमारे गुरु थे। अर्पित दास जी भाई की तरह हैं, राजेश दास जी, अन्य अखाड़ा, मणि रामदेव जी हनुमानगढ़ी, देवेशाचार्य जी, जयराम दास जी, पुजारी राजन दास जी हनुमानगढ़ी, पुजारी जटाशंकर दास जी, महामंडलेश्वर आशुतोष दास जी, जगदीश दास जी, महंत रामदास जी, एक माता जी फ्रांस से आई है, खड़ी हो जाए माता जी, ये बड़ी साधु सेवा करती हैं। इन्होंने इनको जब पता चला तो बड़ी प्रभावित हुई, इन्होंने कहा हम जरूर चलेंगे, इनको मैं विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ। राम प्रकाश दास जी, बाबा इंद्रदेवदास जी, सुखदेव दास जी, रत्नाकर दास जी, शिवम दास जी, और हमारे साथ पूर्व मंत्री और वर्तमान में विधायक बलरामपुर पलटू राम जी, खड़े हो जाइए पलटू राम जी, पलटू राम जी दलित समाज से ताल्लुक रखते हैं। हमारे साथ अजय सिंह विधायक हर्रैया, खड़े हो जाइए विधायक जी, ये बस्ती जिले के हैं। प्रतीक भूषण सिंह विधायक गोंडा, ये हमारे बेटे हैं। अभिजीत सिंह साधक सांगा, ये विधायक बिठूर कानपुर से हैं, हमारे बेटे की तरह हैं।
अजय सिंह विधायक करनलगंज, ये विधायक हैं। सभा कुशवाहा जी विधायक देवरिया, श्याम मनोहर तिवारी जी जिला पंचायत अध्यक्ष बलरामपुर, घनश्याम मिश्रा जी जिला पंचायत अध्यक्ष बलरामपुर, करणवीर सिंह जी जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि बहराइच, संजय सिंह बबलू जी बनारस, जयप्रकाश पहलवान जी जो गुज्जर समाज से ताल्लुक रखते हैं, हमारे परम सहयोगी हैं, सुख दुख के साथी हैं, पूरे परिवार के साथ ये पधारे हैं, इनको भी हम धन्यवाद देते हैं। एसपी देसवाल जी मेरठ से, ये उत्तराखंड कुश्ती के अध्यक्ष हैं। मनीष चौधरी जी, ये जयप्रकाश जी के पुत्र हैं और इनकी पत्नी काउंसलर हैं कई बार से, और प्रताप सिंह कालवी जी को आप जानते ही होंगे, हैं? सुमित भूषण सिंह जी प्रमुख नवाबगंज, ये हमारे सगे भतीजे हैं। आशीष मिश्रा जी प्रमुख झंझरी, ये भी सब भतीजे हैं। संजीव सिंह जी गोंडा, ये हमारे प्रतिनिधि हैं। सुनील सिंह जी बहराइच से पधारे हैं, ये भी हमारे प्रतिनिधि हैं। अजय सिंह जी, सूरज पाल अम्मू जी हमारे नोएडा से पधारे हैं, ये गुज्जर समाज से ताल्लुक रखते हैं। वीरू सिंह जी आजमगढ़, पिंकू सिंह जी अध्यक्ष प्रधान संघ, कमल सिंह जी ये हमारे गोंडा से पधारे हैं, खालिद खान बहराइच से पधारे हैं, आसिफ खान बहराइच से पधारे हैं, और हमारे साथ हमको लगता है हजारों लोग हैं, तो सबका नाम लेना संभव नहीं है। भाइयों, कहते हैं या किसी ने कहा है, बल विक्रम बलि विक्रम बेड़ू दधीच गए, जरा ध्यान से सुनिएगा, राजा बलि विक्रम जिनके नाम से, बलि विक्रम बेड़ू दधीच गए और पारथ गए जिन भारत ठाना। राकेश जी हमारे सहयोगी और रमेश लोहार जी सारी, बलि विक्रम बेड़ू दधीच गए और पारथ गए जिन भारत ठाना, और बाली गए बल रूप गए जगरे कखरी द सकंध समाना। देवेंद्र सिंह जी, देवेंद्र जी बहुत बहुत, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जो आया है वो जाएगा, तो बल विक्रम बेड़ू दधीच गए और पारथ गए जिन भारत ठाना, अब बाल गए बल रूप गए जकरे कखरी दसकंद समाना, और धरा कै प्रमाण यही तुलसी जो फरा सो जरा जो बरा सो बताना। तो ऐसी परिस्थिति में जो आया है वो जाएगा। जब महाभारत की चर्चा होती थी तो किसी ने प्रश्न किया कि महाभारत में कौन कौन लड़ रहा था, तो प्रसंग आता है महाभारत में केवल कृष्ण लड़ रहे थे और दोनों तरफ से लड़ रहे थे। जब स्वयं कृष्ण ही लड़ रहे थे तो उनका सगा भांजा कैसे मारा गया, अभिमन्यु का वध कैसे हुआ? तो मेरे भाइयों, परिवार के लोगों, सबसे यह कहना है कि हमें जीवन में एक ही सिद्धांत अपनाना चाहिए कि जो गया उसको जाना था इसलिए गया, लेकिन जो बचा है इसको कैसे सुरक्षित रखा जाए और उसके सपनों को कैसे पूरा किया जाए। उसने सपना क्या देख रखा था, उसको कैसे पूरा किया जाए। हम
हमारे साथ, वैसे मैं किसी राजपूत संगठन में नहीं हूं, लेकिन मेरे साथ देश के कोई ऐसा प्रांत नहीं है जहां के राजपूत सहित सर्व समाज के लोग न जुड़े। तो इसलिए मैं आपको और आपके परिवार को कम से कम 8-10 प्रांतों के तरफ से आपको आश्वस्त करना चाहते हो, अकेले नहीं, 10-5 प्रांतों के तरफ से आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम लोग आपके साथ हैं। ये विश्वास रखिए, हर तरीके से। कुछ बातें कही जा सकती हैं, कुछ बातें नहीं कही जा सकती है। हम परिवार की स्थिति से वाकिफ हैं, हर परिस्थिति से वाकिफ हैं। और जो लोग इस खेल को खेल रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि इस देश का प्रधानमंत्री अब कौन है। मैं राजनीतिक भाषा नहीं बोल रहा हूं, लेकिन जरा समझने की कोशिश करिएगा। उनको इस बात को समझना चाहिए इस देश का प्रधानमंत्री कौन है, और उनको इस बात को भी समझना चाहिए कि इस देश का गृह मंत्री कौन है। इस देश के गृह मंत्री और इस देश का प्रधानमंत्री पाकिस्तान में घुस करके सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है। बरसों से चली आ रही धारा 370 की समस्या से निदान दिला सकता है। तो ये जेल में बैठे हुए डरपोक भेड़िए जो घात लगा करके हत्या करते हैं, उनको मालूम होना चाहिए कि भारत की सरकार सीधे सीधे इस घटना को संज्ञान में लिया है। हमारे गृह मंत्री जी ने इस घटना को संज्ञान में लिया है। ये मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं। जिस समय घटना घटी थी हम लोग गृह मंत्री के पास गए थे, आपके प्रदेश के भी कई नेता गए थे, और गृह मंत्री जी ने जो आश्वासन दिया था वो आश्वासन मुझे आज भी याद है। इसलिए मेरे भाइयों, कमजोर सरकार नहीं है, तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली सरकार नहीं है, खुफिया विभाग के इनपुट होने के बाद भी कोई कार्रवाई ना करना, ये कांग्रेस सरकार की तुष्टीकरण की राजनीति थी, और उसी राजनीति का शिकार हुआ ये हमारा भाई है। इसलिए मैं परिवार के लोगों से और गोगामणि परिवार जो समर्थक है, सब परिवार है, चाहे पूरे देश में हो, मैं आपको वचन देता हूं, वचन देकर के जाता हूं कि जब जम्मू कश्मीर की समस्या का समाधान हो सकता है, पाकिस्तान का इलाज हो सकता है, सर्जिकल स्ट्राइक हो सकती है, तो जो सुरक्षित बैठे हैं उन पर भी स्ट्राइक होगी। इस बात को आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि ये नरेंद्र मोदी की सरकार है और इस सरकार के गृह मंत्री हैं अमित शाह। अमित शाह जी के बारे में आप लोगों को मालूम है, जल्दी मैं किसी की तारीफ नहीं करता। मेरी आदत है कि मैं जल्दी किसी की तारीफ नहीं करता। बड़े बड़े नेता हैं, मैंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन मुझे विश्वास है इस देश के प्रधानमंत्री पर, और विश्वास है इस देश के गृह मंत्री के ऊपर। और भाइयों, न्याय मिलेगा, और इनके यहां भी सर्जिकल स्ट्राइक होगी, दुनिया देखेगी। इन्हीं शब्दों के साथ, क्योंकि मैं बहुत दूर से आया हूं और बहुत दूर जाना है, काम अभी बाकी है, और समर्थकों का सबसे एक चीज, सबको, मैं छह भाई था, अब अकेला हूं। 22 साल का मेरा लड़का भी किसी दुर्घटना में चला गया, लेकिन मैंने पीछे मुड़ करके नहीं देखा। क्यों? कि जो बचा है उसी को बचाना है, जो बचा है उसी को बचाना है, तभी ये जिंदगी अच्छे से कटेगी। अपना लक्ष्य होना चाहिए,
अपना टारगेट होना चाहिए। और पुनः मैं क्योंकि मुझे बहुत दूर से आया हूं, बहुत दूर जाना है, लेकिन समझिए मैं इस परिवार के साथ हमेशा रहूंगा। मैंने अपना नंबर भी कर दिया है, व्यवस्था कर दिया है, और हर तरीके से, और मैं अपने तरफ से नहीं बोल रहा हूं, कम से कम 10 प्रांत हमारे साथ आपके साथ खड़ा होगा। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए भारत माता की, भारत।